स्वागत है एक बार फिर से आपका गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहां मैं एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी पार्ट फोर्थ, जहां हम पढ़ रहे थे दोस्तों मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में, जहां हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार रेबन के अनुसार आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ और 16वीं सदी में मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र को अपने आप से पृथक करना प्रारंभ किया, जिसका विचार उसने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में दिया। और यहीं पर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए 16वीं सदी में, जिसका नाम था रुडोल्फ गोएकल, जो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रथम एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, उसमें पहली बार मनोविज्ञान शब्द दिया। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि चूंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होने के कारण 16वीं सदी के अंत में आत्मा का विज्ञान जो है वो असफल हो गया, निष्क्रिय हो गया। अब 17वीं और 18वीं सदी में उसे क्या कहा जाता है, आइए देखें मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, दोस्तों 17वीं सदी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं या कहा गया है, क्योंकि डेकार्त ने बताया था कि शरीर की वे क्रियाएं जिसमें आत्मा का हस्तक्षेप होता है वे मूलतः मस्तिष्क से नियंत्रित ही रहती हैं, तथा शरीर भी मानव शरीर भी यंत्र की तरह कार्य करता है। कई ऐसी क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती भी हैं, नहीं भी होती हैं। जो होती हैं उन्हें हम मूल क्रियाएं कह सकते हैं, और जो नहीं होती हैं वो उसे अपन सहज क्रियाएं कह सकते हैं। लेकिन इस बात का मन या मस्तिष्क का जो परिवर्तन है या परिवर्तन जो कह सकते हैं वो परिवर्तक कहलाते हैं, पोम्पोनोजी। मतलब मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने दिया, मूलतः पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी मूलतः इटली के निवासी थे, इनका जन्म इटली में हुआ था लगभग 1462 में। इनका इसका समर्थन जो करने वाले थे वो थे स्विट्जरलैंड के पेस्टोलॉजी। दोस्तों ध्यान रखना, मनोविज्ञान को शैक्षिक या शिक्षा में मनोविज्ञान का जो उपयोग है उसका काफी हद तक जो श्रेय है वो पेस्टोलॉजी को भी जाता है। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में 1746 को हुआ था। लेकिन दोस्तों चूंकि जिस समय पोम्पोनोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान दिया, उस समय मन या मस्तिष्क की अगर बात करें तो कोई स्वरूप उसका कोई निर्धारित नहीं था, उसकी संरचना निर्धारित नहीं थी। उसमें कौन कौन से विचार होते हैं, गुण होते हैं, किसके द्वारा वो मूलतः नियंत्रित होता है, किस पार्ट का हम मस्तिष्क का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो सब ज्ञात नहीं था। इसलिए 18वीं सदी में जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान था वो भी निष्फल हो गया, असफल हो गया, और मनोविज्ञान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि जब हम आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को नहीं कह रहे हैं, मन या मस्तिष्क को नहीं कह रहे हैं, तो आखिरकार ये मनोविज्ञान किसका है। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब 18वीं सदी के बाद मनोविज्ञान को क्या कहा गया। तो मनोविज्ञान के इतिहास में एक नया शब्द जुड़ा 19वीं सदी में मनोविज्ञान को एक नया विज्ञान कहा गया, उसका नाम था चेतना का विज्ञान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है चेतना का विज्ञान, ठीक है ना। और चेतना का विज्ञान कहने वाले थे जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड। कहाँ के थे भाई, जर्मनी के, जिनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। जबकि दोस्तों चेतना जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था जेम्स ड्रेवर ने। किसने दिया था, जेम्स ड्रेवर ने। आइए देखते हैं चेतना दोस्तों क्या है। एक सीधी सी भाषा में मैं बताऊं कि चेतना क्या है, तो यदि किसी वस्तु या पदार्थ को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते ही उसके मस्तिष्क में उसके अंदर जो प्रतिक्रिया या छाया बन जाती हैं, उसको देखकर उसका जो बोध हो जाता है, वो उसको समझने लग जाता है,
ठीक है ना, वही क्या है, चेतना है। क्या है? चेतना है मेरे अर्थ में, लेकिन अलग अलग समय में चेतना का अलग अलग अर्थ बताया गया है। अगर बात करें प्राचीन समय में तो चेतना मूलतः क्या है, चेतना जीवधारियों में, स्वयं में या आसपास की वस्तुओं में पाया जाने वाला एक कह सकते हैं तत्व है। क्या है? तत्व है। ये मूलतः अपन चेतना के प्रारंभिक तौर पर कह सकते हैं। तो चेतना के प्राचीन अर्थ में क्या सम्मिलित कर सकते हैं कि जीवधारियों में स्वयं या आसपास के वस्तुओं का बोध करना, उसे समझना व उसका मूल्यांकन करना, मूल्यों का अंकन करना, बोध करना मतलब वस्तु के बारे में देखना, उसको ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, उसके बाद में वस्तु को समझना, स्वरूप समझ, स्वरूप का बोध होना, फिर उसको समझना, समझने का अर्थ यहाँ भी ले सकते हैं कि फायदे नुकसान से, और मूल्यांकन करना कि उससे किन मूल्यों का विकास हो सके। नैतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, कई प्रकार के मूल्य हैं, ठीक है, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, उस प्रकार से। तो चेतना का प्राचीन अर्थ यही है। जबकि दोस्तों विज्ञान की भाषा में चेतना का अर्थ क्या है, विज्ञान ये कहता है कि चेतना एक अनुभूति है। क्या है? विज्ञान क्या कहता है? चेतना एक अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले आवेगों से उत्पन्न होती है। मतलब जब किसी वस्तु के बारे में कोई सूचना ग्रहण की जाती है तो उसका मस्तिष्क पर पहुंचने पर जो भाग जागृत होता है वही क्या है, चेतना है। जबकि चूंकि अपन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना क्या है, तो मनोविज्ञान कहता है चेतना शरीर का तत्व है। क्या है? चेतना शरीर का क्या है, तत्व है, जो हमें अनुभूति करवाता है। क्या कराता है? जो हमें अनुभूति करवाता है। कौन सी अनुभूति? जैसे सुनना, जैसे देखना, जैसे चिंतन करना, जैसे तर्क करना। बिना चेतना के ये किसी प्रकार की क्रियाएं संभव नहीं है। अतः मनोविज्ञान को हम चेतना का विज्ञान कह सकते हैं। और इसके बारे में चेतना के विज्ञान को देने से पहले जॉन लॉक ने ये बताया था कि हमने आत्मा को तो देखा नहीं है, ना किसी ने मन के बारे में जाना है, लेकिन चेतना वो है जिनके बारे में हम अनुभव कर सकते हैं। क्या है? अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने चेतना को क्या बताया, विचार व प्रत्ययों, आइडियाज का संग्रह या समूह, अपन संग्रह लिख सकते हैं या समूह। जॉन लॉक के अनुसार चेतना क्या है, विचार व प्रत्ययों, आइडियो का क्या संग्रह, क्या है, चेतना है। अतः हम चेतना पर चेतन मन पर अध्ययन कर सकते हैं, उसको विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो विलियम मुंड ने चेतना का विज्ञान कहा और इसका समर्थन जो किया वो थे प्रमुख विलियम जेम्स, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका जन्म 1842 में हुआ। उसके बाद में जेम्स सर्ली, फिर शिष्य टीचनर, फिर उसके बाद में वाइस, इन सब ने जो है विलियम मुंड द्वारा दिए गए चेतना के विज्ञान का समर्थन किया, ठीक है दोस्तों। चेतना, चेतना में भी संवेग के अनुसार तीन पहलू होते हैं, उसकी प्रमुख तीन विशेषताएं होती हैं। देखो क्या क्या है तीन विशेषताएं चेतना की, आइए देखते हैं दोस्तों। तो चेतना की तीन विशेषताएं बताई गई, चेतना की विशेषताएं, सबसे पहली
कि चेतना में ज्ञान होता है, मतलब चेतना कैसी होती है, ज्ञानात्मक होती है। दूसरी भावनाएं भावात्मक होती हैं, भाव होते हैं, और उसके अनुसार क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब क्रियात्मक भी होता है। कैसे, उदाहरण के लिए देखो, इधर यदि एक बालक को किसी वस्तु को दिखाया जाए, पदार्थ को दिखाया जाए, तो उसके स्वरूप को देखकर उसे ज्ञान होता है, उसे बोध की प्राप्ति होती है, वह जान जाता है हाँ ये है। जैसे किताब बताते हैं तो भविष्य में वो कभी भूलता नहीं, उसको वो आत्मसात कर लेता है। जब कभी भी उसके सामने कोई ऐसी चीज बताई जाती है तो क्या कहता है, हाँ ये पुस्तक है, ठीक है ना। अब पुस्तक या पदार्थ के गुणों के बारे में बताना, विवेचना करना, लाभदायक और हानिकारक उद्देश्यों को बताना, ये उसमें उस पदार्थ को देखकर भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव के कारण वो जो क्रियाएं करता है, मतलब उस पदार्थ को पास लाने की या उस पदार्थ को दूर ले जाने की, वही क्या है, उसका क्रियात्मक पहलू, क्रियात्मक पक्ष है। अतः समय के समान चेतना में भी क्या होते हैं भाई, तीन विशेषताएं होते हैं, तीन पहलू होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो मनोविज्ञान विलियम वुडवर्ड ने कहा कि हम इन सभी पक्षों को अध्ययन करके, सभी पक्षों के बारे में बालक के अध्ययन करके उनको विकसित कर सकते हैं, उन्हें विषय वस्तु के रूप में ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर आपने ये पिक ले लो थोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, चूंकि चेतना का विज्ञान विलियम वुड द्वारा कहा गया था, तो लेकिन इसको प्रसिद्ध या सफल बनाने का मूल प्रयास जो है वो विलियम जेम्स और टीचनर द्वारा किया गया। विलियम जेम्स ने विलियम वुड के साथ मिलकर कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिसमें से सबसे पहले, ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है वो विलियम जेम्स द्वारा बनाई गई 1875 में, लेकिन ये असफल नहीं। इसका कारण क्या था, वो अनौपचारिक थी एक तो, और विषय वस्तु के अध्ययन के लिए कोई उपयुक्त विधि नहीं थी। क्या नहीं थी, उपयुक्त विधि नहीं थी, इस कारण वो क्या हो गई, असफल हो गई। और उसके बाद चेतना के विज्ञान के प्रवर्तक विलियम वुड ने सर्वप्रथम 1879 में जर्मनी के लिप्ज़िंग शहर में, कहां पर भाई, जर्मनी के लिप्ज़िंग शहर में पहली सफल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आया है कि विश्व में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा बनाई गई, यही प्रश्न पूछा गया कि 1899 में विलियम वुड के द्वारा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, विलियम वुड ही पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसके समय मनोविज्ञान ने अपने आप को पृथक रूप से दर्शन शास्त्र से बनाया, घोषित किया, और उसका दावा उसने अपनी पुस्तक किसमें किया, ध्यान रखना, बिट रेंज में, किसमें किया, बिट रेंज, ठीक है ना, ध्यान रखना, बिट रेंज में जो है इन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक करने का दावा किया। इसके बाद इसके एक प्रमुख शिष्य हुए, इन शिष्य का नाम था कैटर, क्या नाम था, शिष्य कैटर। कैटल को 1888 में, दोस्तों कैटल को 1888 में पेंसिल्विया में, पेंसिल्विया में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बनाया गया, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बनाया गया, तथा औपचारिक रूप से सबसे पहले दर्शन शास्त्र से पृथक मनोविज्ञान विषय जो है वो कैटल के समय आया। तो पहले हुआ कब, किसके समय, वुंड के समय,
मुंड ने अपनी पुस्तक बिट रेंज में इसे बताया, ठीक है ना। जो लगभग ध्यान रखना दोस्तों, बिट रेंज पुस्तक का प्रकाशन जो है वो 1858 से 1862 में किया गया, ठीक है ना। लेकिन औपचारिक रूप से मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष कब हुआ, उसके शिष्य कैटल के समय, जब उन्हें पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रयोग प्रोफेसर बनाया गया। इससे पहले जो सारी नियुक्ति प्रोफेसर की होती थी वो दर्शन शास्त्र विभाग या दर्शन विभाग के रूप में की जाती थी, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब ये मिटा देता हूं मैं, चाहे तो आप टिक क्लिक कर सकते हैं, ओके। दोस्तों इसके बाद विलियम वुड के सहयोगी विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी। आइए देखते हैं उसमें से महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। सबसे पहले पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और दूसरी है टॉक टू टीचर ऑन साइकोलॉजी। दोस्तों जिसमें प्रिंसिपल और साइकोलॉजी का जो प्रकाशन है वो विलियम जेम्स द्वारा 1890 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1890 में विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। और ध्यान रखना दोस्तों, इस पुस्तक में इसने कई विषय सम्मिलित किए जो वर्तमान में मनोविज्ञान के प्रमुख अंग है। उसमें से कौन कौन से हैं देखो इधर दोस्तों। सबसे पहले है अभिगम, चिंतन, ध्यान, स्मृति, ठीक है आदि, ये आज भी उससे लिख है, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अपने आप को चेतना के विज्ञान के समय विलियम वुंड के समय पृथक कर लिया और स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। कल अपन पढ़ेंगे चेतना के विज्ञान का विरोध किसने किया। धन्यवाद।